और गंगारंग अस्पताल की गायनी इमरजेंसी में मरीज के अलावा हकीम के लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद करने की वजह से डॉक्टर्स ने गायनी इमरजेंसी में काम बंद कर दिया। मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद बताएगा लवा हकीम ने लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद क्यों किया। जी, ये गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी में एक खातून आई जो कि किसी पेशेंट के साथ जो है वो बतौर अटेंडेंट थी और उसका ये कहना था कि वो पुलिस एहलकार है और उसकी जानब से ड्यूटी डॉक्टर को जो है वो थप्पड़ मारे गए और उससे बदतमीजी की गई, हंगामा राई की गई, तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद गंगाराम अस्पताल की गायनी इमरजेंसी जो है उसमें काम बंद है और डॉक्टर्स की जानब से हड़ताल की गई है और वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर तमाम गायनी यूनिट की जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो जमा है। उनका ये कहना है कि जब तक तोड़फोड़ और तशद्दुद का निशाना बनाने वाली जो खवातीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उस वक्त तक वो अपना एहतजाज और हड़ताल खत्म नहीं करेंगी। इस वक्त फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ लेडी डॉक्टर्स के मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन अभी तक उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी। इस सूरत हाल से जो इलाज मुआवजा है वो तासर से दो चार है और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आपका शुक्रिया जाहिद चौधरी।